सो गाइस, स्वागत है आप सबका प्ले स्टोर गेमर के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम फाइट करने वाले हैं एंडर ड्रैगन से, एंडर ड्रैगन को मारने वाले और गेम को फिनिश करने वाले हैं, लाइक सीरियसली फ़िलहाल के लिए। मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ लिया था और उसे एक्टिव भी कर लिया था। मैंने उसके लिए वीडियो बनाई थी बट सॉरी यार, उसे अपलोड नहीं कर पाया कुछ कारण के कारण, थोड़ा सा वीडियो में ख़राबी आ गई थी। मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड पे जाने के लिए। हमने कुछ ये की है, मतलब ट्रेनिंग या फिर जो भी है प्रिपरेशन, सॉरी। पोशंस गेशंस ले लिए, हम डायरेक्ट जाके एंडर ड्रैगन को मारेंगे। मैं 3 स्टैक इसके लेके जा रहा हूँ, एक एंडर चेस्ट है। जस्ट मैं जब तक कि मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास पहुँचता हूँ। ओके सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ रॉन्ग टाइम एंड अरे यार, तुम खा लो, तुम मार लो। ये देखिए, ये गुंबद सा बना के रखा था मैंने। वेट, और चमाइल फॉक्स है बे यहाँ पे। सही है यार, बट एनीवेज फिलहाल तो एंडर ड्रैगन से लड़ना है। ये है यार, मैं डायरेक्ट स्लो फॉलिंग का पोशन पी लेता क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं पोशंस। एंड एक स्लो फॉलिंग यार, वेयर द यार स्लो फॉलिंग एक रख देते हैं। एंड टुचुक, ये सही है। हालांकि डायरेक्ट भी कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो गाइस, ये रहा हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड और एंड पोर्टल। डायरेक्ट इसके अंदर जाने वाले हैं और एंडर ड्रैगन से फाइट। तो कहाँ पे आए हम? ओके भाई, ये हर बार मेरे ही साथ होता है, गलत पोर्टल मिलता है मुझे हर बार, आई डोंट नो व्हाई। एक्चुअली मैं ईयरफोन को पहले सीधा लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ और उधर साइड जाके वीडियो फिर से स्टार्ट करता हूँ। ओके सो गाइस, यहाँ तक के हम पहुँच चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एंडर मैंस की बहुत आवाज़ आ रही है और ये पम्पकिन लगाने से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। बस मैं एक इनविजिबिलिटी का पोशन पी लेने वाला हूँ सिर्फ एंडर ड्रैगन से बचने के लिए और किसी से नहीं। एंड देन वी कैन स्टार्ट। ओके वेट, हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और मुझे यहाँ पे एक कमरे जैसा बनाना है जहाँ पे मैं मेरी अंडर चेस्ट फिट कर सकूँ, आई मीन रख सकूँ। यहाँ पे वो रहेगा, यहाँ पे अंडर चेस्ट रख देता हूँ मैं, और जो जो वेस्ट जो जो काम का सामान नहीं है वो यहाँ डाल देता हूँ। जैसे कि हमें फ़िलहाल काम नहीं है, एक्चुअली सभी चीज़ का काम है, हमें सिर्फ खाली एम्प्टी बॉटल्स नहीं चाहिए। तो थोड़ी सी जगह कर लेता हूँ मैं। एंड यहाँ पे हमारे कोबल स्टोन्स आ जाएंगे। एंड अगेन यहाँ पे इंस्टेंट हेल्थ और यहाँ पे स्पीड का पोशन पी लेते हैं हम, ताकि थोड़ा सा उनसे बचे रहे। ओके, हम टॉप पे आ चुके हैं बाय द वे, और इनविजिबिलिटी का पोशन पी रखे हमने। देखते हैं। ओके, एंडर ड्रैगन का रेड आयर आ गया, डायरेक्ट हम फाइट चालू करने वाले हैं। एंड उसे तोड़ता हूँ मैं पहले। क्लोज वन गाइस, फुट जा। अरे वो अटक गया एंडर ड्रैगन, क्या बात है। अरे शॉट्स, आई थिंक यू बार्स के कारण शॉट्स नहीं लग रहे। अरे अरे सॉरी सर, इनविजिबिलिटी का पोशन पी के रखा है बट भाई यार कोई भरोसा नहीं क्योंकि मैंने आर्मर नहीं उतारा मेरा। यहाँ पे मैं वो बिल्ड करता हूँ मेरा, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, पहले तो बैठ जाता हूँ। और आई होप कि ड्रैगन वो थ्रो नहीं करेगा। और यार मुझे ड्रैगन ब्रेथ चाहिए थी बट एनीवेज अब कुछ नहीं हो सकता। पहुँच गए क्या? ओके, बहुत ऊपर जाना है इसके लिए। अरे पहुँच ही गए ऑलमोस्ट, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ से दिख ही नहीं रहा बट। स्लो फॉलिंग का पी लेता हूँ मैं पोशन और एक, ताकि यहाँ से गिरते हैं तो कोई सीन ना हो जाए। देयर यू हैव इट फोक्स। मैं यहीं से ही अब डायरेक्ट एम्स लेने वाला हूँ। वो होड़ दिया, वो भी गया। एंड
ये भी गया अगेन वाला, कम ऑन, ओफ शिट। ओके, जब वो जिससे मतलब अपनी हेल्थ फुल करता है उस चीज को फोड़ना है। चलो ये फोड़ते हैं। अरे यार एरोज नहीं पहुंच रहे वो। ओके, उसका बॉल आ रहा है, श बच गए। यहाँ पे बार से यार लगी, गलत सीन। अभी किससे लेंगे वो, इससे। ओके, आई थिंक कि वो फूट चुका है ऑलरेडी, एंड आई थिंक कि अब हमें वो उस वाले के पास जाना चाहिए। हमारा स्लो फॉलिंग का पोशन वर्क कर रहा है। ओके, 2 मिनट से हो जाएगा। देखते हैं यहाँ से एम लेने के। ओह शिट, एंडर ड्रैगन, एंडर ड्रैगन, आई मीन एंडरमैन। प्लीज डोंट डिस्टर्ब बॉय, प्लीज, आई डिडंट डू एनीथिंग, व्हाट द फक। अरे ओके, नाउ नाउ आई एम गेटिंग एंग्री, वेरी एंग्री। रुक जाओ, मैं शील्ड सेलेक्ट करता हूँ। ओके, एक के टेक केयर कर लिए। आ जा आ जा, ओके ओके ओके। वो वेट वेट, व्हाट द हेक। पोशन स्पीड पीता हूँ मैं, क्योंकि मुझे स्पीड बढ़ाना है। ऑफ कोर्स, एंड एक एन्चेंटेड एप्पल खा लेते हैं इनकेस अगर से ज़रूरत पड़े तो। ऑलराइट, सो हम जा रहे हैं उसके पास। उनकी आंखों में नहीं देखना है और कुछ नहीं, और बस इतना सा करना। मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर। यार ये अंडरमैन्स बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, मजाक नहीं। ऑलमोस्ट पहुंच गए गाइस, फेदर फॉलिंग का भी इफेक्ट जाने वाला है आई गेस। ओह शिट, हमारे पास के कोबल स्टोन खत्म हो गए। फिलहाल डर तो लग रहा है यार थोड़ा सा। वेट व्हाट, व्हाई कैंट आई हिट हिम, हिट इट नाउ। ओके, ये तोड़ना ही पड़ेगा आई गेस। नाउ आई कैन क्लियरली डिस्ट्रॉय इट। राइट, ओह शिट शिट शिट, गलत सीन। ओ भाई, ये फैदर फैलिंग का फायदा देखो यार। पायल इन दो मुझे एक। ओके, फैदर फॉलिंग और एक पी लेते हैं, स्ट्रेंथ रख लेंगे। फैदर फैलिंग पी ले अगेन। ओके, अब उससे किससे मिल रही है यार, उसे पावर किस चीज़ से मिल रही है अभी। आई थिंक कि ही इज डन, बट मैंने गिना भी नहीं यार कितने तोड़ा है मैंने, सो आई डोंट नो। ओह वो तो है, एंड प्लीज हिट, फूटा, लेट्स ट्राई टू हिट हिम। और अरे भैया बहुत डैमेज कर रहा है ये। ओके, यही कहीं आसपास से मिल रही है उसे। आई थिंक कि वो बड़ा वाला है साइड में टावर, उस पर भी चढ़ने वाले हम। इस टावर पे चढ़ते हैं जल्दी 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 जल्दी। इस टावर पे चढ़ के इसे तोड़ते हैं पहले। बस वो मार ना दे हमें, आई मीन शॉट। हालांकि मारता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ भाई, कितना बड़ा टावर है ये। फायर की आवाज़ तो सुन सकता हूँ मैं। ओके, मैं थोड़ा सा नीचे होने वाला हूँ, एंड देन वी आर गोना हिट इट। फेदर फॉलिंग का इफेक्ट है फिलहाल, सो अरे यहाँ से कैसे मिस कर सकता हूँ यार मैं, सीरियसली। टोटम ऑफ अंडाइंग हाथ में रख लेते हैं, एंड
ओके, वो क्रिस्टल बचा है और क्लियर। यहाँ से तो कुछ और नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक क्रिस्टल दिख रहा है मुझे। सो लेट्स गो, देखिएगा इस फेदर फॉलिंग का फ़ायदा आपके लिए। दैट्स व्हाई मैं एक्स्ट्रा कोबल स्टोन्स लेके आया हूँ, ताकि हमें वापस उसे तोड़ना ना पड़े, क्योंकि अगर यार वापस तोड़ना पड़ जाता ना तो प्रॉब्लम होती है यार। ऑलराइट, एंड एक और स्टैक, तीन स्टैक लेके आया था मैं। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन गाइस, लेट्स डिस्ट्रॉय दिस। अब ख़त्म हो गए, इसे तोड़ना छोड़ते हैं। ओह शिट, ओके और बचा है रे, और बचा है। ओके इसके ऊपर चढ़ते हैं अब। 62 है, खूब है, चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ से चढ़ेंगे हम। ओ एंडरमैन, ओ व्हाट द हेक एंडरमैन, आई डिडंट डू एनीथिंग बॉय, प्लीज। ओके इनविजिबिलिटी का पोशन और कोई लेता हूँ मैं। मत कर रहे ऐसी आवाज़, चढ़ो ऊपर। तो आई डोंट नो कितने सारे तोड़ना पड़ेगा, आई थिंक कि 12 तोड़ना पड़ता है, उससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। सो लेट्स, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, चढ़ो यार। ये एंडर ड्रैगन बड़े खतरनाक आवाज़ें कर रहा है यार उड़ते समय। एक एनचेंटेड एप्पल खा लेता हूँ मैं। ओके बहुत सारी एनचेंटमेंट्स लगा दी हमने, आई थिंक कि यहाँ से तोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल राइट, सो हो गया, आई थिंक कि सब तोड़ चुके हैं हम। ऑल राइट, एक फेदर फेलिंग पी लेते हैं एंड यहाँ से कूद जाएंगे। स्लो फॉलिंग या फिर फेदर फॉलिंग, कुछ भी बोलो, आई डोंट केयर। वो अटका है, सही है। आई थिंक कि हमने सभी तोड़ दिए उसके क्रिस्टल्स। ओके मारेंगे, मारेंगे, मारेंगे। और भैया क्या आवाज़ है यार, खतरनाक। ठीक है अब हम मारना स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक कि मुझे पम्पकिन लगा ही लेना चाहिए गाइस अब, क्योंकि अब ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यार। यार इससे दिखता भी नहीं है ना कुछ। ओ भैया मार मत मार, सॉरी सर। मैं दोनों में क्या करूँ, ये पंपकिन के कारण दिख नहीं रहा है, मैं हटा रहा हूँ इसे। इनसे 10 हाथ दूर से निकल जाएंगे एंड एंडर ड्रैगन को मारना। अभी तक के लाइक सीरियसली मैंने, मेरा एक भी शॉट नहीं लगा उस पर। लग जा, क्या लेगा शॉट लगने का। ओके सो वो गिर चुका है, आई मीन नीचे आ चुका है। मार 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 मार, ओके ओके, पोशन ऑफ स्ट्रेंथ बहुत सही काम कर रहा है गाइस। हमें एक और पोशन ऑफ स्ट्रेंथ रख लेना है यहाँ पे। एंड नाउ यार अभी जाके मारता हूँ मैं उसे। एंडरमैन डिस्टर्ब कर रहे गाइस, एंडरमैन डिस्टर्ब कर रहे। एंडरमैन नहीं यार, मैंने तेरा कुछ नहीं किया यार। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मार 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 मार। ओके मारो 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 मारो, जस्ट मारते जाओ मारते जाओ। अगेन गेट आउट ऑफ हियर। हाँ गाइज, अंडरमैन थोड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाकी कोई सीन नहीं है। पोशन ऑफ स्ट्रेंथ दो, अटकेगा अटकेगा पक्का है। मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा, सिम सिम मर जा सिम सिम। ऑलमोस्ट मार दिया गाइस हमने उसे,
शार्पनेस, अरे शिट गलत सी। ओह नहीं 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 व्हाट द हेक। इंस्टेंट हेल्थ पियो, एनचेंटेड एप्पल खाओ। यार एनचेंटेड एप्पल क्यों नहीं खा पा रहा मैं। अरे यार नहीं 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 गलत सीन, गलत सीन हो रहे हैं। वैसे इसे विदर से, विदर मारने से ज़्यादा, विदर को मारने से ज़्यादा इजी है इसे मारना। अरे यार चलो यार, ये ड्रैगन ब्रेथ, शट अप इडियट। ओ बॉम्ब फेंक रहा है वो। यार मेरा एरो का एक भी शॉट नहीं लगा उसको। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ओके गाइस, सो वी हैव डिफीटेड द फ्रिकिन एंडर ड्रैगन। बट मैं कुछ खा क्यों नहीं पा रहा, आई डोंट नो। सो दैट्स हाउ वी डिफीट एंडर ड्रैगन। भाई बहुत इसने ये किया है। और मैं ड्रैगन ब्रेथ कलेक्ट करना भूल गया, आई मीन याद नहीं रहा मुझे ड्रैगन ब्रेथ। सो दिस इज गोना बी आवर वे बैक टू होम। और मुझे नहीं पता कि हम कहाँ से आए थे। सो गाइस कुल मिला के मुझे 14 मिनट्स लगे इस को मारने के लिए। इंस्टेंट हेल्थ दो बहुत है मेरे पास। स्प्लैश पोशन ऑफ, यार एक एक ही हार्ट बढ़ रहा, क्या सीन है। सो अब इसे सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए गाइस, मैंने इनविजिबिलिटी का पोशन तो पिया था, बट मैंने मेरा आर्मर नहीं उतारा था, तो इसका मतलब वो मेरे को क्लियरली देख पा रहे थे, तो कोई मतलब ये नहीं किया मैंने चीटिंग। सो ये रहा हमारा मतलब एंड सिटी में जाने का रास्ता। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं है, फिर भी लेना तो बनता है। हाँ सो गाइस मैं बताऊँ ना, सीरियसली विदर को मारना इससे 100 गुना ज़्यादा हार्ड था। 100 गुना नहीं, बट फिर भी विदर को मारना इससे बहुत हार्ड था। एंडर ड्रैगन पावरफुल था, बट इसमें जो अब मेरे को प्रॉब्लम किया है वो मेन इन्होंने ही किया है, सिर्फ क्या है एंडरमैन ने। बाकी अंडर ड्रैगन के तो फिर उतना प्रॉब्लम नहीं दिया, अच्छा प्यारा सा अंडर ड्रैगन था। और हाँ इसके ऊपर एग होगा शायद सूस का, अंडर ड्रैगन का। सूस के नीचे टॉर्च रख के उठाना पड़ता है। ओके आ जा, मुझे घर भेजने के लिए वापस आया। अरे 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 गाइस व्हाट द फक। अबे टेलीपोर्ट, तेरी टेलीपोर्ट होके तो मर जाएगा। वो देखो वो जो पोर्टल है ना, उसके अंदर एंडर आई फेंकना पड़ता है, मैंने ऐसा सुना था। वहाँ से हम, वैसे अभी तो वापस चल जाते हैं हम। हमने एंडर ड्रैगन को मार दिया है, और वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ी, सिर्फ उसके क्रिस्टल फोड़ने तक की प्रॉब्लम थी, बाकी फेदर फॉलिंग ने बहुत मदद किया। और भाई गाइस फाइनली क्रेडिट सीन। क्रेडिट्स रख लेते हैं माइनक्राफ्ट के, स्किप का ऑप्शन आ रहा है बट नहीं। सो गाइस ऐसे मारना है हमें अंडर ड्रैगन को, हालांकि आपने ऑलरेडी मार दिया होगा, और अगर से आप मारने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी डर के मत जाना, ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। सबसे जो आपके हिसाब से जो प्रिपरेशन बेस्ट लगती है उसे करिए, और मारिए अंडर ड्रैगन के, लगाइए एल। तो जब तक कि मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।